कामा सर्किल के गांव भंडियारा में कुआं टूटने से हुए बड़े हादसे में अभी तक एक युवक को नहीं निकाला जा सका है। 15 घंटे बीत चुके हैं। हादसा कल शाम को हुआ। जेसीबी मशीन से ज़्यादा मिट्टी को हटाना संभव नहीं था। पॉपलेन मशीन के लिए गांव वालों में आक्रोश फूट पड़ा और प्रशासन से भिड़ गए। ज़्यादा जानकारी के लिए लाइन पर हैं मेवाड़ टाइम्स के संवाददाता राकिब खान। जी आसिफ जी सर, जी लाइन लाइन पे हैं राकिब जी, भंडियारा गांव से जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ था राकिब जी, बताइए। जी सर, कल यहां से एक हादसा हुआ है कामा सर्किल के भंडियारे गांव में, और जिसमें 4 लोग दब गए थे। कुइया थी, उसमें फरमे डाल रहे थे, उसमें 4 लोग दब चुके थे, जिसमें से 3 लोगों को सकुशलता से निकाल लिया गया है। एक युवक अभी भी उसमें दबा हुआ है, जैसे कि हमारी खबर लगी थी कल शाम को 5 बजे से दबा बताया जा रहा है। 2 मशीनें कल से काम कर रही थी, उनको निकाला नहीं गया, और अब ग्रामीण में थोड़ा आक्रोश हो गया और प्रशासन के खिलाफ भी झपट हो गई, और अब सुबह 4 बजे से पॉपलेन मशीन लगा रखी है, लेकिन तो अभी तक उसको अभी नहीं तक निकाला अभी गया। तक कि क्या नाम है उनका जो अभी तक मिट्टी के अंदर दबे हुए है? हक्कू नाम है, हक्कू नाम का युवक है, अभी तक उसको सकुशलता नहीं निकाला गया, अभी तक सकुशल बाहर नहीं निकल नहीं, सका है। और अभी नहीं निकाला गया, अभी पॉपलेन मशीन खुदाई और प्रशासन की देखरेख में खुदाई जारी है। कितनी कितनी मिट्टी तकरीबन उसके ऊपर पड़ी है, जो जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है? अंदाजा लगा रहा है करीब 30 फुट की कुइया बताई है, 30 फुट की कुइया बताई जा रही है, और कुछ जैसी भी मशीनों से उसे निकाल दिया गया है, और बकेट लंबा ना होने की वजह से पॉपलेन मशीन को मंगाया गया है जिससे नीचे तक खुदाई हो सके उसकी। तो कहीं ना कहीं पॉपलेन मशीन देरी से आई है, इसकी भी एक बड़ी वजह मान रही है पब्लिक। इसकी भी एक वजह है, ग्रामीण सुबह से कल शाम से वो गुहार लगा रहे थे, उसी की वजह से थोड़ा झड़प हो गई उनमें, और अब उस सुबह 4 बजे मशीन को लाया गया है, और फिर अब खुदाई जारी है उसकी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राकिब जी, गांव भंडियारा से, शुक्रिया। कामा भंडारा गांव से मेवाड़ टाइम्स के लिए राकिब खान।